गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीमका थाना, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम BSc पार्ट थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री जो पेपर चलता है उसकी यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा करेंगे और विशेषकर घूर्णन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। जब हम किसी अणु पर माइक्रोवेव रीजन की लाइट डालते हैं तो उसमें घूर्णन रोटेशन संपन्न होते हैं और घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य ट्रांजिशंस होते हैं जिससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोल रहे थे। और हमने दृढ़ घूर्णी मॉडल, रिजिड रोटेटर मॉडल, उसके बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने देखा था जो ऊर्जा का मान था EJ = 2BJ+1 हमारे पास आया था। और जो दृढ़ घूर्णी मॉडल में जो ऊर्जा स्तरों के मध्य की जो दूरी थी वो क्या थी, उसमें 2B आ रही थी। B क्या है? रोटेशनल कांस्टेंट। दृढ़ घूर्णी मॉडल क्या है? एक आदर्श मॉडल है, उसके अनुसार जैसे किसी डी डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसको अगर रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन का उसकी बॉन्ड लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, चाहे उसको किसी भी स्पीड से उसको घुमाएं, तो वो दृढ़ घूर्णी मॉडल था। अब जैसे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें कई पीक्स होती है, कई सिग्नल्स होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो जिन सिग्नल्स की हाइट ज़्यादा होगी उसकी तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें सब। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम है तो यहाँ पर जो ये बीच वाली जो लाइन है इसकी इंटेंसिटी क्या है, देखो आप, रिलेटिव इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, तो उसे बोलेंगे J max, अधिकतम तीव्रता की रेखाएं। तो जो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो इंटेंसिटी है, जो घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन्स आ रही है उसमें स्पेक्ट्रम में, तो उन लाइन्स की इंटेंसिटी दो कारकों पर निर्भर करती है, उसकी इंटेंसिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो उसकी पॉपुलेशन, अणुओं की संख्या या आबादी। अब पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जैसे किसी विशेष ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी उस स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। मान लो किसी संक्रमण हो रहा है तो किसी, जैसे एनर्जी लेवल लोअर है और हायर एनर्जी लेवल में जो जितने अधिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसमें जो अणु है उस विशेष ऊर्जा स्तर में ज्यादा है पॉपुलेशन, तो उस वाले ट्रांजिशंस की जो इंटेंसिटी क्या है वो ज्यादा प्राप्त होती है। और इसको किसने एक्सप्लेन किया? बोल्ट्जमान ने। जो बोल्ट्जमान ने क्या दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया था, उसके अकॉर्डिंग इसको समझाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये एनर्जी लेवल है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल है और ये 1 है मान लो, तो जे बराबर, ये रोटेशनल नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर इसमें जो 0 है उसमें अणुओं की संख्या N0 है और जो ये एन जे क्या है, जे एनर्जी लेवल में, रोटेशनल एनर्जी लेवल में अणुओं की संख्या। तो इन्होंने क्या दिया कि जो बोल्ट्जमान ने एक्सप्लेन किया कि जो एन जे है इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होती है, N0 और e^-EJ/kT, उसके बराबर होती है। और जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है स्पेक्ट्रम रेखाओं की, वो किसके समानुपाती होगी, NJ/N0, और ये बराबर किसके, e^-EJ/kT के बराबर होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
कि जो एन जीरो क्या है, जो लोवेस्ट जो एनर्जी लेवल है रोटेशनल, उसमें अणुओं की संख्या, और एन जे क्या होगी, इसमें जे जो एनर्जी लेवल है उसमें अणुओं की संख्या। अब आप देखिए कि जो यहाँ पर के क्या है, इसमें बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ई जे क्या हो गया, रोटेशनल एनर्जी, और टी बराबर टेम्परेचर हो गया किसमें, केल्विन में। तो एक तो बात ये होगी कि जैसे जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं किसी विशेष ऊर्जा वाले स्तर से ज़्यादा ट्रांजिशंस हो रहे हैं, अगर वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है, अणुओं की संख्या अधिक है, तो इस स्थिति में उस स्पेक्ट्रमी रेखा की जो तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। और दूसरा इसमें क्या है, डीजनरेसी, ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता की संभावना। डीजनरेसी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो पांच एनर्जी ऊर्जा स्तर है जिनकी ऊर्जा समान है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, डीजनरेट एनर्जी लेवल। जिसे हम बात करते हैं कि जैसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, उसमें CFT पढ़ते हैं, तो उसमें डी कक्षक है, पांच ऊर्जा जिनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, और जब वहां पर लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो स्प्लिटिंग हो जाती है, तो T2G बोलते हैं, EG बोलते हैं। तो वहां पर आप उससे समझ सकते हैं कि वे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जाएं समान होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर, डीजनरेट एनर्जी लेवल कहते हैं। और घूर्णन ऊर्जा स्तरों की डीजनरेसी जितनी अधिक होगी, अर्थात ऊर्जा स्तरों की क्या होगा, एनर्जी लगभग समान होगी या समान होगी, तो उस स्थिति में जो ट्रांजिशंस होने की संभावना क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो एनर्जी लेवल्स की डिजेनरेसी अगर ज़्यादा है, तो उस स्थिति में जो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो डिजेनरेसी फैक्टर यहाँ पर जी जे है, और वो किसके समानुपाती है, तीव्रता के। तो जी जे बराबर क्या है, 2J+1। जे क्या है यहाँ पर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो जी जे बराबर 2J+1 हो गया। तो इससे हम देख सकते हैं कि देखो डिजेनरेसी जितनी अधिक होगी एनर्जी लेवल की, ऊर्जा स्तरों की, उसमें तीव्रता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो कुल मिला के जो दो फैक्टर हैं उनको हम कंबाइंडली बात करें, तो जो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किस पे डिपेंड कर रही है, डिजेनरेसी फैक्टर और बोल्ट्जमान जो चिरघातांकी की जो फैक्टर है, जो बोल्ट्जमान की बात की थी हमने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जी जे मल्टीप्लाई एन जे अपॉन एन जीरो, और ये किसके इक्वल था, जी जे तो है 2J+1 के बराबर, और ये किसके, ई की पावर माइनस ई जे अपॉन के टी। तो और ई जे यहाँ पर क्या है, बी जे जे प्लस वन, और ये किसके लिए निकाला था अपन ने, दृढ़ घूर्णी मॉडल के लिए देखा था हमने, बी जे जे प्लस वन एनर्जी आ रही थी। तो यहाँ पर इसका ये हो गया, तीव्रता इक्वल टू 2J+1 ई की पावर माइनस बी जे जे प्लस वन अपॉन के टी। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए देखो, यहाँ पर जे और वर्सेस रिलेटिव इंटेंसिटी कौन सी वाली, ये वाला, इसके मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो देखो यहाँ पर इस टाइप से इसमें ये आएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, सबसे अधिक है, तो इसे बोलते हैं जे मैक्स। तो जे क्वांटम नंबर की बात की, तो जे मैक्स जैसे कैसे गणना किस फॉर्मूले से करते हैं हम, जे मैक्स बराबर के टी अपॉन 2HcB। तो एच क्या हो गया, प्लैंक कॉन्स्टेंट, सी क्या है लाइट का जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, और बी क्या हो गया, रोटेशनल कांस्टेंट हो गया, और पावर हाफ माइनस वन अपॉन टू। तो जो CO2 जो अणु है उसके लिए 298 केल्विन ताप पर जब जेमैक्स की गणना की जाती है तो वो लगभग किसके आती है, 7। और यदि अगर किसी के लिए हम जेमैक्स की गणना कर रहे हैं और वो फ्रैक्शनल में आ जाती है जेमैक्स की वैल्यू, तो हम इसको राउंड ऑफ में कर देंगे। अगर जैसे 5 या 5 से ज़्यादा है तो अगली वाली संख्या दे देंगे, 5 से कम है तो उस स्थिति में पीछे वाले नंबर हम लिख लेंगे। तो CO2 अणु के लिए कितना आता है, जेमैक्स की वैल्यू 7। तो कुल मिला के दो फैक्टर हैं जो रिलेटिव इंटेंसिटी को जो डिसाइड करते हैं कि किस स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या नहीं होगी। तो जिनमें जैसे पॉपुलेशन, वो विशेष एनर्जी लेवल जिनमें पॉपुलेशन और डिजेनरेसी अधिक है तो उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब बात करें जैसे बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की से। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो वैल्यू थी, जो रिजिड रोटेटर की बात कर रहा था मैं, न्यू बार जो वेव नंबर है, जैसे जे प्लस वन में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें ये हमारे पास आ रहा था 2BJ+1 semi inverse। तो यहाँ पर बी क्या है, रोटेशनल कॉन्स्टेंट है, और बी का मान क्या होता है, एच अपॉन 8π² IC सेमी इनवर्स में। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट, और आई क्या है,
मोमेंट ऑफ इनर्सिया सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी सी। तो अब देखो आई बराबर क्या मान होता है, आई की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर होता है, तो आर बराबर क्या आ गया, रूट आई अपॉन म्यू। तो आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू क्या हो गया रिड्यूस्ड मास। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से दे रख सकते हैं, तो आई आर बराबर यहाँ ले लेंगे आई अपॉन म्यू, और इसको रीअरेंज करेंगे, और इसको रीअरेंज करके सारा निकाल, इसमें क्या आ जाता है बोन लेंथ निकल कर आ जाती है। और म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, उसका मान क्या है, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी बॉन्ड लेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है उस पर समस्थानिक का प्रभाव पड़ता है क्या। तो पहली बात तो क्या है, समस्थानिक आइसोटोप्स होते क्या है, वे जैसे न्यूक्लियस जिनके क्या हो, जेड के मान क्या हो समान हो, परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो अब क्या है कि जैसे द्विपरमाणु कणु है जिसमें मान लो अगर दो आइसोटोप अलग अलग है, तो उस स्थिति में जो इनकी जो स्पेक्ट्रा आएगा वो भी अलग प्रकार का आएगा, क्योंकि समस्थानिक का क्या इफेक्ट पड़ता है, समस्थानिक का जैसे भार का इफेक्ट पड़ेगा, तो जैसे भारी समस्थानिक है तो उसके लिए अलग स्पेक्ट्रा आएगा, और जो हल्का है उसके लिए अलग स्पेक्ट्रा आएगा। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोक्साइड है उसमें कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और या अगर देखें तो कार्बन मोनोक्साइड में ऑक्सीजन को हम चेंज कर दें, समस्थानिक 16 ले लें और इसका 18। तो अब आप देखिए जो आई है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है म्यू आर स्क्वायर है, और बी बराबर क्या है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी बराबर, या इसका आई की जगह म्यू आर स्क्वायर। तो म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पर, एटम की क्या है जो परमाणु है उसके परमाणु भार पर डिपेंड कर रहा है। तो बी क्या है, देखो 1 अपॉन आई है, और बी किसके व्युत्क्रमान पाती है म्यू के। तो कुल मिला के ये है कि अगर समस्थानिक का भार बढ़ाते जाएंगे तो बी का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और आई का मान बढ़ेगा, म्यू या आई ले ले दोनों का मान बढ़ेगा, तो क्या होगा बी का मान कम होता जाएगा, जिससे जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है ई रोटेशन का मान क्या होगा, कम होगा ऊर्जा का, और ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ता है, तो भारी जब एटम जोड़ते हैं तो जब रोटेशन करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, जो एनर्जी लेवल से उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे कार्बन मोनोक्साइड में मैंने यहाँ कौन सा लिया, हमने उदाहरण में जो कार्बन 12 लिया है, और यहाँ लिया है कार्बन 13, तो 13 का मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो जो न्यू वेव नंबर है इसमें, इसका नंबर 3.842 है और इसका 3.673, ये कम आएगा, और बी का मान भी इसमें क्या आएगा, रोटेशनल कांस्टेंट का मान भी कम आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 1.921 है और 1.836। अब आप देखिए कि जैसे इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी जैसे बीच की दूरी कम होती जाएगी, तो आप यहाँ इसमें देखिए जो ये है जे का मान है, और ये कार्बन 12 के लिए, और ये कार्बन 13, जो कार्बन मोनोक्साइड का स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ मैं। देखो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ स्पेक्ट्रम में दूरी क्या है, और यहाँ देखिए ये कम होती जा रही है, ये पास पास आती जाएंगी। इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका आइसोटोप का इफेक्ट इसमें पड़ रहा है। तो अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2B है, ये 2B- थोड़ा कम आता जाएगा, जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ेगी उसका मान और कम होता जाएगा, और ये जो इस पे ऊर्जा स्तर है ना वो और पास पास आते जाएंगे, तो ये इसमें समस्थानिक का इफेक्ट पड़ता है। तो आज की क्लास में हमने जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी तीव्रता, और जो समस्थानिक का इफेक्ट, और बॉन्ड जो लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसके बारे में चर्चा की है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और बुक में जाके आप स्टडी करें, और जो भी क्लास ऑनलाइन आप हम आपके लिए दे रहे हैं उसको आप अगर आप घर पे जाकर पढ़ लेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।